हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट यानी न्यूट्रिशन डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या है, न्यूट्रिशन डाइट क्या है, कैसे हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ऑल अबाउट अ बैलेंस डाइट। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप अभी चैनल पर नए हो तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, उसे दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहें और उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, रोग मुक्त रहना चाहता है। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार महत्वपूर्ण होता है। बैलेंस डाइट से हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। ये आहार रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। संतुलित आहार हमारे शरीर को विकास में योगदान करता है, हमारे दिमाग को तेज करता है। आइए संतुलित आहार के बारे में विस्तार से जानते हैं। संतुलित आहार क्या है? व्हाट इज द बैलेंस डाइट? संतुलित आहार वो आहार है जो हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। आपने अपने आहार में पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए आपको दैनिक आहार में अधिकांश कैलोरी का उपभोग करना चाहिए। एक संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पोषक तत्व, विटामिन, खनिज जैसे तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित आहार के लिए आपको नियमित रूप से ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ, साबुदाना, सूखे मेवे, फलियाँ, लीन प्रोटीन आदि का सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं कैलोरी के बारे में। भोजन में कैलोरी की संख्या उस भोजन का संग्रहित ऊर्जा की मात्रा का एक माप होता है। आपके शरीर में कोई भी छोटे से छोटे कार्य करने के लिए जैसे चलने, सोचने, सांस लेने आदि के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को अपना औसत वजन बनाए रखने के लिए हर दिन लगभग 2000 कैलोरी खाने की आवश्यकता होती है। ये कैलोरी मान प्रत्येक की आयु, लिंग और शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। पुरुष से सामान्य महिला अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। दैनिक कैलोरी का सेवन का उदाहरण, 2 से 8 साल के बच्चों में 1000 से 1400 कैलोरी, 9 से 13 साल की लड़कियों के लिए 1000 से 1600 कैलोरी, 9 से 13 साल के लड़के के लिए 1600, 14 से 30 से 2400, 14 से 30 का 1800, 30 से 2000 और 30 साल से अधिक के लिए 1600 से 2400 की कैलोरीज की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार क्यों महत्वपूर्ण है? संतुलित आहार आपके अंगों और ऊतकों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। संतुलित आहार में सभी प्रकार के आवश्यक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड आदि और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, बच्चों के विकास में मदद करते हैं, सभी बीमारियों से बढ़ाते हैं। संतुलित आहार कैसे प्राप्त करें? खाद्य भोजन से ही संतुलित आहार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें अनावश्यक वसा की मात्रा, शक्करा मात्रा कम हो, साथ ही विटामिन, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व मात्रा अधिक हो, संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए उचित हैं और संतुलित आहार में मदद करते हैं। संतुलित आहार में फल खाएं। सामान्य हम सभी को ये जानकारी है, फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। फल पोषक तत्व का एक बड़ा स्रोत है। इसके साथ ही हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने में हमें मौसम के अनुसार फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे आपको हमेशा ताज़े फल मिलते रहें, क्योंकि ताज़े फल सबसे अधिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो फल इसके स्थान पर एक अच्छा विकल्प है। मधुमेह जैसी समस्याओं को कम चीनी वाले को फलों का सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार में सब्जियां खाएं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम सब विभिन्न प्रकार की सब्जियों का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। सब्जियों में आवश्यक विटामिन, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां आमतौर पर सबसे अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। सब्जियां रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, बीमारी से लड़ने में मदद करती हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियां हमें ठंडक को एहसास दिलाती हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन लें। बैलेंस डाइट में सबसे प्रमुख अंग प्रोटीन का होता है। मांस, फलियों, संतुलित आहार प्रोटीन मुख्य स्रोत है। प्रोटीन हमारे शरीर को, मांसपेशियों, मस्तिष्क को विकास में बहुत आवश्यक होता है। मांस जैसे चिकन, मछली, सुअर का मांस आदि में प्रोटीन अच्छे विकल्प हैं। कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें मसूर की दाल, अदरक में प्रोटीन पाया जा सकता है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट लें। हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। अधिकांश लोग किसी अन्य अनाज की तुलना में रिफाइंड सफ़ेद आटे का प्रयोग करते हैं। रिफाइंड सफ़ेद आटा पोषक तत्व स्तर कम करता है। अनाज पोषक तत्व में पास्ता, दाल जैसी चीज़ें भी कार्बोहाइड्रेट देती हैं।
डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। हम सब के घर में किसी न किसी प्रकार से डेयरी उत्पाद का प्रयोग करते हैं। ये भी जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। वसा प्रमुख स्रोत, कैल्शियम हड्डी मजबूत बनाता है। दही पनीर दूध बने पदार्थों का सेवन नियमित रूप से करें। संतुलित आहार में तेल का प्रयोग कम करें। अधिक तेल प्रयोग हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। भोजन कम वसा वाले, कम चीनी वाले पदार्थों का प्रयोग करें। ज़्यादा शराब और नमक का प्रयोग ना करें। पानी खाने के साथ साथ उचित मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है। कम पानी पीने से हमारे शरीर में बीमारियों का घर बन जाता है, इसलिए शरीर को हाइड्रेट ना होने दें। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। संतुलित आहार का चार्ट, बैलेंस डाइट का चार्ट। भोजन में क्या खाएं? नाश्ते में आप ब्रेड, ऑमलेट, फिर या ब्रेड या उबला अंडा खा सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो दलिया, अंकुरित सलाद खा सकते हैं। आप कम तेल वाले पराठे, इडली, डोसा भी नाश्ते में कर सकते हैं। ब्रंच में ड्राई फ्रूट खा सकते हैं या दो फल खा सकते हैं। दोपहर में दाल चावल, चिकन, मछली, करी खा सकते हो। शाकाहारी खाना में बीन्स, सब्जी, रोटी खा सकते हो। दूध भी पी सकते हो या आप डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हो। डाइट चार्ट फॉर मेल एंड पुरुष और टीन और लड़कियों के लिए, 6 साल के बच्चों के लिए। भोजन में कुल सर्विंग विवरण, अनाज, चावल, चपाती, सर्विंग, चपाती, आधा कप दलिया, सब्जी, बीन्स, फल, पनीर, दही, दूध, अंडे, चिकन, गेहूँ, पेट सर्विंग, वनस्पति भी, चम्मच, मक्खन आदि आप ले सकते हो। डाइट चार्ट फॉर वुमेन एंड एजेड पीपल, 2 से 6 साल के बच्चे, बुजुर्ग पूरे दिन में 1600 कैलोरीज लेते हो। भोजन में कुल सब अनाज, चावल, चपाती, ब्रेड, कुल 8 सर्विंग, सब्जी में 4 सर्विंग, फल 2, पनीर, दूध, दही, दूध, अंडे, मछली, चिकन, मीट 2 सर्विंग। संतुलित आहार के लिए कुछ और टिप्स। संतुलित आहार तालिका, आहार चार्ट के अलावा कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने भोजन में ड्राई फ्रूट्स, फल को ज़रूर शामिल करना चाहिए। कभी भी खाना मिस ना करें। सही वक्त पर नाश्ता, दोपहर का खाना रात को सही वक्त पे खाएं। पेट से ज़्यादा नमक ना लें, पोषक तत्व लें और सही टाइम पर सोएं, तनाव ना लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को